अकेले है इसलिए नाराज है रे है? अरे काहे काहे नाराज है रे है? अरे सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं। हमेशा की तरह इस बार भी सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी एक बार फिर से जनता दरबार में करीब 800 फरियादी पहुंच गए। हालांकि गुरु पूर्णिमा पर व्यस्त कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री ने हिंदू सेवाश्रम में करीब 150 लोगों से खुद मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जबकि अन्य फरियादियों की समस्या सुनने के लिए उन्होंने वहां मौजूद अधिकारी और मंदिर प्रबंधन के लोगों को निर्देशित कर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी जनता दर्शन में सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस और जमीनी विवाद की पहुंची। इस पर सीएम योगी नाराज हो गए। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को इसके लिए फटकार भी लगाई और सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फरियादियों की भीड़ और सीएम की फटकार सुनते ही वहां मौजूद अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। हालांकि इसी बीच एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली जिसे देखकर सबके चेहरे खिल गए। फरियाद लेकर पहुंची महिलाओं की गोद में बच्चों को सीएम योगी ने देखा तो वो काफी खुश हो गए। बच्चों को देखते ही उनका गुस्सा भी रफू चक्कर हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उन्हें खिलाने लगे। सीएम ने बच्चों को दुलारा, कुछ बच्चों को अपने हाथ से चॉकलेट खिलाया और पूछा, स्कूल जाते हो ना? इसके बाद महिलाओं के हाथ से आवेदन लेकर उसे पूरा पढ़ा और पुलिस अधिकारियों को उस पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। मैं समस्या लेकर पहुंची एक अन्य महिला की गोद में बैठे छोटे से बच्चे को सीएम ने दुलारा और उससे पूछा कि चॉकलेट लोगे, तो बच्चे ने तुरंत अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर सीएम योगी और ज्यादा खुश हो गए और मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथों में उन्होंने चॉकलेट पकड़ा दी। क्या हो गया है? कहाँ पे? नहीं, गोरखपुर का मामला कौन मारा है? आपको बता दें कि जनता दरबार लगाने से पहले सीएम योगी ने गोरक्षपीठ में अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की पूजा अर्चना की, उन्हें रोट का महाप्रसाद चढ़ाया। ये प्रसाद आटा और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद उन्होंने देव और समाधियों की खास पूजा की। गौशाला में गाय और सांड को गुड़ भी खिलाया। इस दौरान एक सांड ने इशारों में सीएम योगी से नाराजगी जताई, मानो वो नाराज हो कि इतने दिनों बाद क्यों आए। ऐसे में सीएम योगी ने भी उसे पुचकारा और नाराजगी का कारण भी पूछा। इसके सींग पे भी तेल तोल लगा दो। तेल तेल वो मंगा दिया। नंदी काहे 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 अकेले है इसलिए नाराज है रे हैं? अरे काहे काहे नाराज है रे हैं? काहे नाराज है? दोपहर 12 बजे से गोरखनाथ मंदिर में भोज शुरू हुआ। गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। इसके बाद महंत दिग्विजय सभागार में योगी पहुंचे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अगर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो हमें सृष्टि भी अच्छी नहीं दिखाई देगी। इसलिए हमें सोच को ठीक करना होगा। सोच को ठीक करने का मतलब एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना होगा। हमारी सकारात्मक सोच होगी तो हमें सब जगह सकारात्मकता ही दिखाई देगी। हमारी नकारात्मक सोच होगी तो हमें हर अच्छे कार्य में भी समस्या दिखाई देगी। लेकिन सकारात्मक सोच होगी तो बड़ी से बड़ी चुनौती में भी आपको समाधान दिखाई देगा, और जहां समाधान है वहीं पर आगे बढ़ने के लिए भी रास्ता है। जहां हमें हर कार्य में समस्या दिखाई देती है
लोगों की प्रवृत्ति होती है, आप देखते होंगे, जो कभी अच्छा सोच नहीं सकते। जब अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा कर भी नहीं सकते। तो आप भी सीएम योगी की इन खूबसूरत तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।